जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को साईं मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बाबा की कृपा से एकदम सही होंगे, एकदम ठीक होंगे और हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का कुछ उद्देश्य है। तुम्हें इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा मैंने, कोई विशेष कार्य से भेजा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरे बच्चों को मेरे साथ जोड़ना है, मेरे बच्चों का मेरे प्रति विश्वास को और बढ़ाना है। बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी को रोशन करना है और तुम्हें अपने जीवन को भी रोशन करना है। तुम्हें ज़िंदगी यूं ही नहीं मिली, बहुत कुछ करना है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए, अपने साईं के लिए। मुझे खुशी है कि मैंने तुमको चुना है। जो बच्चे तुमसे जुड़ेंगे, जिनका विश्वास मेरे प्रति दृढ़ हो जाएगा, मैं उसे भी फिर उनके जीवन का उद्देश्य बताऊंगा, उन्हें भी एक विशेष कार्य सौंपूंगा। तुम्हें बहुत सारी जिंदगियों को बदलना है और तुम्हारे सारे रुके काम भी पूरे हो जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करना, मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ और काफ़ी हद तक तुम बन भी चुके हो। तुम अपनी शक्तियों को पहचान रहे हो, इस बात की मुझे खुशी हो रही है। मेरे बच्चे, जो भी बच्चे तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सहयोग से तुम बहुत आगे तक जाओगे, इस बात पर विश्वास रखना। ये बहुत ही पावरफुल सोल्स हैं जो तुम्हारे साथ जुड़ी हैं, जे तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी, तुम्हारा हौसला बढ़ाएगी। जब से तुम मुझसे जुड़े हो ना, तब से तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है ना बच्चे, मैं सही कह रहा हूँ ना? रोज़ तुम्हारे साथ नए नए चमत्कार हो रहे हैं, मेरी लीलाओं का अनुभव हो रहा है ना? अभी तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, बस थोड़ी सी सबूरी और रख लो। मेरे कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो मुझसे कहते हैं कि मेरे साईं, आप हमें मिल गए हो तो सब कुछ हमें मिल गया है। आप हमारे साथ होते हो तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता, लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे हो तो तुम्हें क्या ऐसे ही खाली हाथ जाने दूं मैं? नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें सब कुछ दूंगा मैं, तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा मैं। तुम्हें प्यार देना, खुशियां देना, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। कुछ बच्चे मेरा नाम जाप माला से करते हैं तो कुछ बच्चे एक कॉपी में मेरा नाम लिखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे, तुम मुझे इसी बहाने याद भी कर लेते हो, मेरा नाम स्मरण भी कर लेते हो। कुछ बच्चों को ये शंका रहती है कि दिन में या एक ही समय में कितनी बार नाम लिखूं, तो मेरे बच्चे, कुछ भी गिनती से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि 108 बार लिखो तो तुम मजबूरी में 108 बार लिखोगे। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना तुम्हारा मन है उतनी बार तुम लिखो। तुम जितने में तुम्हारा मन लगेगा, एकाग्रचित होके नाम ले सको, उतनी बार ही नाम लो तुम, किसी मजबूरी में आकर नहीं। अगर तुम अपने मन को एक जगह पर स्थिर ना कर सको, तुम नाम लिखी जाओ तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए नाम स्मरण करने में कभी गिनती मत करना, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हें बहुत प्रेम करता है। मैं तुम्हें कभी भी गिनकर प्यार नहीं करता और ना ही गिनकर चीज़ें दूंगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बेअंत है। और कुछ बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ
तुम अपने मन में शंका मत लाया करो कि मैं किसको पूजूं। अगर मैं शिव की आराधना करूं तो कहीं मैं तुम्हारा साईं नाराज ना हो जाऊं। अगर मैं माता की पूजा करूं तो कहीं भगवान शिव ना नाराज हो जाएं। नहीं बच्चे, तुम किसी की भी पूजा करो, उसमें तुम्हें मेरा रूप ही नज़र आएगा। जिसको तुम मानते हो उन सब में उनका ही रूप नज़र आएगा। मैं कहता हूँ ना कि सबका मालिक एक। तुम किसी की भी पूजा कर लो, कोई तुमसे नाराज नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम जितनी लगन से मेरी सेवा करती हो ना, देखना इसी लगन से तुम मुझे पा भी लोगे, और इसी लगन के साथ तुम्हें मैं सब कुछ प्रदान करूँगा। जो जो मुझसे प्रेम करता है ना, उन सबको मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चों के संग रहूँगा, कभी भी हारने नहीं दूँगा। मैं तुम्हारा साईं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपनों के साथ शेयर करना। जय साईं राम। साईंनाथ आप सभी का भला करे, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम।